असफल तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं। बड़ी सफलता हमेशा बड़े मुश्किलों के बाद मिलती है। इसलिए आप किसी लक्ष्य को पाने में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, थोड़ा स्पेशल है, इसलिए आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा है। 999 बार प्रयोग असफल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की थी। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉवेल हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग एक मामूली सी वेटर थी और इस नॉवेल को कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने को तैयार नहीं था। यह नॉवेल केवल इसलिए पब्लिश हो पाई क्योंकि इसके पब्लिशर की 8 वर्ष की बेटी अपने पिता से इसे पब्लिश कराने की भीख मांगने लगी और पब्लिशर अपने बेटी की गड़गड़ाहट देख न सका। मिस्टर के आर नारायण मूर्ति 1981 में इंफोसिस की स्थापना करने से पहले 1976 में सॉफ्टोनिक्स नामक कंपनी स्थापित करने की असफल कोशिश कर चुके थे। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी लगातार 17 फिल्में सुपर फ्लॉप हुई थी। 1998 में रतन टाटा द्वारा लॉन्च की गई टाटा इंडिका कार एक फेल प्रोजेक्ट था। इस कार को कोई खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए रतन टाटा ने इंडिका के पूरे प्लांट को बेचने का निर्णय लिया। बहुत कोशिश के बाद फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने टाटा इंडिका के प्लांट को खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन रतन टाटा के साथ उनका व्यवहार काफी इंसल्टिंग था। उनका कहना था, जब आप कार बिजनेस को समझते नहीं हैं, तो उसे करने की कोशिश क्यों करते हैं। कुछ सालों बाद 2008 में उसी फोर्ड कंपनी का जैगुआर लैंड रोवर एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हुआ। रतन टाटा ने जैगुआर के पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लिया। इस बार उसी फोर्ड कंपनी के चेयरमैन के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर उपकार कर रहे हैं। फोर्ड कार बनाने वाली कंपनी के संस्थापक फोर्ड कंपनी से पहले 5 और कंपनी स्थापित करने की असफल कोशिश कर चुके थे और कंपनी स्थापित करते समय आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद थे। 1998 में लहरी प्रेस सर्जन ब्रेन अपने सर्च इंजन कॉन्सेप्ट को 10 लाख रुपए में बेच देना चाहते थे, लेकिन याहू व अल्ट्रा विस्टा जैसे उस समय के बड़े सर्च इंजन ने इस सर्च इंजन कॉन्सेप्ट को यह कहकर खरीदने को मना कर दिया था कि अब और सर्च इंजन की जरूरत नहीं है। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम में सेलेक्ट करने लायक योग्य भी नहीं समझा गया था। प्रत्येक सफल होने वाले व्यक्ति का अनुभव है, असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान होती है, इसलिए एक कोशिश और कीजिए, कौन जाने आपकी सफलता की सीढ़ियों पर आखिरी पायदान पर खड़े हों और आपकी यह कोशिश आपकी सफलता के लिए आखिरी कोशिश हो। क्योंकि यदि 999 बार असफल होने के बाद एडिसन ने 1000वीं बार कोशिश नहीं की होती तो शायद हम आज भी दीपक या चिमनी की रोशनी में जी रहे होते। धन्यवाद गाइज। अगर आपने अभी तक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एंड यू शुड डाउनलोड दिस अनअकैडमी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं इनके पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मत गवाइए। यहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती है, फ्री में स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो हैं। साथ में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप इनसे पढ़ के अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जो UPSC का ड्रीम है इसको साकार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ इन इंडिया जो UPSC CSE के फील्ड में हैं। और जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है, प्लस का आप लेना चाहें इस प्लस का ले सकते हैं, आइकॉनिक लेना चाहें आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक का जो कॉस्ट है, प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या होता है, प्लस में आपको देखो टीचर की पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती है, बाकी कोर्स आप पूरा देख सकते हो, बट आइकॉनिक में ये होता है कि आप जो है समय समय पे टीचर से गाइडेंस भी ले सकते हो कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपकी बात होगी और आपको समय समय पर पर्सनल कोचिंग जो है वो टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी।
जो 12 मंथ है उसका जो कॉस्ट है वो 69,500, 24 मंथ का जो है वो 10,700 एंड 36 मंथ का है 1,41,000। बट चीज़ें यहीं पे नहीं रुकती हैं, आपने यहाँ पे कोड यूज़ करना है MPS, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लो, आपको जो ये कोड है MPS ये यूज़ करना है। आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये जो डिस्काउंट है ये आपके कुछ पैसे सेव करके इस कोर्सेज को इस रेट पे ले आएगा। EMI का ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप EMI चाहें तो EMI के थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स के मद्देनज़र रखते हुए हमने 6 मंथ का 21 का जो प्रीलिम्स है उसके मद्देनज़र हमने 6 मंथ का प्रीलिम्स के लिए कोर्स लॉन्च किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जाइए आज इन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।